जब तक आप उसे बुलाते नहीं हो। लेकिन मैं आऊंगी, अगर कल सुबह तक मेरे पापा घर नहीं आए। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी रिव्यू में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच में देशभक्ति फिल्म फर्जी कॉलिंग के ट्रेलर का शानदार रिव्यू लेके आ चुका हूँ। आखिरकार दोस्तों, ये फिल्म हम सबके बीच में रिलीज़ करी जाएगी, पर दोस्तों इस फिल्म के ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी ने गौर नहीं करा। और दोस्तों इस फिल्म का जो ट्रेलर है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर देखने में काफ़ी शानदार है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पूरी आधारित है एक माँ के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, एक बीवी के ऊपर और दोस्तों एक दोस्त के ऊपर। अगर दोस्तों हम बात करें इस ट्रेलर की रिव्यू की, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही शानदार अपडेट जानने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी रिव्यू की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें फर्जी कॉलिंग मूवी की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट करा है आर्य सक्सेना ने। दोस्तों इस फिल्म को हम सबके बीच में अनिल जैन और विजय वर्मा ने प्रोड्यूस करा है। अब अगर हम बढ़े कि इस फिल्म के ना मेन लीड में काम करते हुए कौन नज़र आ रहा है, तो अगर हम बात करें तो शर्मा जोशी जैसे बेहतरीन एक्टर इस फिल्म को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की तरफ। इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो स्टार्ट होता है अपने पिता के इंतजार से, जो कि अपने पिता को बॉर्डर की तरफ जाते हुए कभी नहीं देख पाई, पर दोस्तों आते हुए भी कभी नहीं देख पाती है, बस उनका करती है तो वो इंतज़ार। और दोस्तों इंतज़ार में उनका जो हमदर्द, हम साथी, हम सफ़र रहता है, वो रहती है उनकी माँ के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है सास की, जो कि हर बेटा अपनी माँ को उनकी वाइफ के पास में छोड़ के जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी अपने पति का इंतज़ार करती है जो कि बॉर्डर से लौटने वाला होता है, पर दोस्तों अचानक से जंग छिड़ जाती है और जंग के अंदर वो सिपाही शहीद हो जाता है। ऐसे में उनका दोस्त आता है जिसका नाम है शर्मा जोशी, जो कि काफ़ी शानदार एक्टर है, वही इनकी ज़िंदगी के अंदर रंग घोलता है। और दोस्तों ऐसे में उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, ये उसके पिता नहीं हैं, ये तो उनका दोस्त है। दोस्तों ऐसे में जो नन्नी मुन्नी बालिका है, जो बच्ची है, वो इतनी शानदार एक्टिंग करती है कि जो आपके दिल को छू लेगी। और दोस्तों जो सस्पेंस बनता है, आपके आंखों में से आंसू भी आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस फिल्म का डायरेक्शन है, जो स्टोरी लाइन है, जो एक्टिंग है, सभी कैरेक्टर्स ने इतने दिल लगा के काम करा है कि बस आप कहेंगे कि वाह। बहुत ही शानदार एक्टिंग के साथ साथ में फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफ़ी तगड़ा है, और तगड़ा होने के साथ साथ में इस फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी शानदार है। दोस्तों इस ट्रेलर को मैं देना चाहूँगा 4.5 स्टार। अगर आपने अभी तक इस फिल्म के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं फर्जी कॉलिंग ट्रेलर, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों फिल्म का नाम तो फर्जी कॉलिंग है, पर दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरी फिल्म लाजवाब बनाई जाने वाली है। आपको इस फिल्म का इंतज़ार है या नहीं? अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक देशभक्त होने के नाते कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद, वंदे मातरम।